सूरज देवता के प्रकोप से परेशान होकर रोज मन करता है कि क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और आइसक्रीम का तो रोज मन करता है, रोज ही खाने को मिलनी चाहिए। पर क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हो कि इतना मीठा तो नहीं खाना चाहिए? चलो फिर आज इसी दुविधा का हल लेकर आई हूँ मैं। आज हम बनाएंगे शुगर फ्री आइसक्रीम। जी हाँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो भी बिना चीनी के। मिठास के लिए मैंने अपनी आइसक्रीम में ऐड किए हैं खजूर। 9 से 10 यहाँ पर मैंने खजूर लिए हैं, वो भी बिना बीज के, और साथ में 2 अंजीर। बस अच्छे से उनको ब्लेंड कर लिया है। और हाँ, खजूर और अंजीर 1 से 2 घंटे के लिए पानी में सोक करके रखे थे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप दूध, यानी कि 0.5 लीटर, 500 ml मैंने दूध लिया है, जिसको एक उबाला आने तक हम बॉईल करेंगे। चलो जब तक दूध उबलता है तब तक हम यहाँ पर अपना कोको पाउडर की स्लरी रेडी कर लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप स्लरी के लिए मिल्क लें वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। मेरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिल्क यहाँ पर ठंडा ले लिया था मैंने। 1/3 कप मिल्क में मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे कोको पाउडर ऐड किया है। और बस दूध भी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैंने इसमें जो डेट्स को ग्राइंड करके एक पेस्ट रेडी किया था, बस उसी को मैंने यहाँ पर दूध में ऐड कर दिया है। और अच्छे से हमें स्टर करना है ताकि ये जो पेस्ट है वो नीचे सेटल डाउन ना हो। बस अच्छे से हमें स्टर करते रहना है। जैसे ही आप देखेंगे कि दूध का जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है और कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो चुकी है, उस पॉइंट पर हमें ऐड कर देना है कोको पाउडर वाली स्लरी। अच्छे से मैंने पहले थोड़ी सी ऐड कर दी थी, अब जो बची हुई थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अच्छे से हमें इसे स्टर करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, साइड में मलाई आने लग जाती है। बस आप जैसे ही मलाई इसकी साइडों में आ जाए, आप उसको भी मलाई को इकट्ठा करके दूध में ही ऐड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खजूर का। वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो हम वाइट शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं। और समझ रहे हो आप, वाइट शुगर हमें कम ही अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, तो जितना हो सके उसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढ लेना चाहिए। बस जो खजूर है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है दूध को बॉईल करते हुए, और बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसका हम वेट करेंगे रूम टेम्परेचर पर आने का। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो है क्रीम रेडी करना, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉल लिए हैं। नीचे वाले बॉल में मैंने आइस क्यूब्स रखी हैं ताकि वो ठंडा रहे, और दोनों ही बॉल को मैंने पहले ही फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये भी अच्छे से चिल्ड हो जाए। क्रीम रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो केक वाली क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अमूल वाली क्रीम जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, तो मैंने बस वही ली है। अब आया है थोड़ी सी मेहनत वाला काम, जो कि है इसको अच्छे से विस्क करना। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है आराम से, क्योंकि हमने पहले ही दोनों बॉल को अच्छे से फ्रीज कर लिया था। जैसे ही क्रीम आपकी 3 गुना हो जाए, बस उसी में आपको अपना जो मिक्सर हमने रेडी किया था चॉकलेट वाला, बस उसको भी ऐड करके थोड़ा सा और विस्क कर लेना है। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है जमाने के लिए। किसी भी मोल्ड में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में जो भी हमने बैटर रेडी किया था, बस उसी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर दी है, आप अपनी मर्जी से चोको चिप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 5 hours later थोड़े से इंतज़ार के बाद और इतनी ठंड में अच्छे से जमने के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम अब आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से।
हाँ हाँ भाई, एकदम शुगर फ्री आइसक्रीम है। इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होने वाला है। अब टेंशन बिल्कुल खत्म कि आपकी डाइट टूटेगी, या फिर जिनको भी डायबिटीज है वो तो बहुत ही आराम से इसको खा सकते हैं। तो भाई इंतजार किस बात का है, रेसिपी को देखो और ट्राई करो और बताना जरूर कि कैसा लगा। और हाँ, आप मेरी रेसिपी को देखते भी हो लेकिन लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते, यार ऐसे मत किया करो। वीडियो को जब आप देखते हो, रेसिपी देखते हो, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इस रेसिपी को देखने के बाद लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और हाँ शेयर भी करना भूलना मत। एकदम मजेदार आइसक्रीम, वो भी बिल्कुल शुगर फ्री है जी, बनाकर जरूर देखना और बताना जरूर कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को इंजॉय करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो मैं तो चली अपनी आइसक्रीम को इंजॉय करने। बाय।